आज मैं गोट प्रोडक्शन भाग दो को बता रहा हूँ। इसमें पश्मीना, जिसे कश्मीरी भी कहते हैं, इसका मूल स्थान हिमालयन हिल रीजन है, हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र। ये छोटे आकार की होती है और इसका कलर मुख्यतः वाइट होता है, कभी कभी ब्लैक होता है। दूसरी प्रमुख इम्पोर्टेंट ब्रीड है जमुनापारी। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इसका मूल स्थान है। इसमें कुछ विशिष्ट करेक्टर जैसे रोमन, इसकी नाक रोमन टाइप होती है, माउथ पैरट टाइप, तथा इसके पिछले लेग पर खूब ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। ये बड़े साइज की ब्रीड है और इसके पैर भी लंबे होते हैं। 2.25 से 2.7 केजी प्रतिदिन दूध देती है। इसके दूध में 3.5% वसा होती है। यह नस्ल एक विदेशी नस्ल एंग्लो न्यूबियन को उत्पन्न करने में क्रॉसिंग के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरी ब्रीड है बीटल। बीटल का मूल स्थान पंजाब है और ये जमुनापारी से, बीटल का मूल स्थान पंजाब है, जमुनापारी से छोटे आकार की होती है। स्टाल फेड ब्रीड है। स्टाल फेड मतलब इसको घरों में बांध कर पाला जा सकता है, इसके लिए चारागाह की आवश्यकता नहीं होती है। बर्बरी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीड है। बर्बरी जो प्रोलिफिक ब्रीडर है, जो 12 से 15 महीने में ये 2 बार बच्चा देती है, ट्वाइस किडिंग करती है, 2 बार बच्चा देती है। बेरारी बकरी का रंग काला और लाल होता है। सूरती बकरी एक दुधारू नस्ल है, एक डेयरी ग्रोथ मतलब दुधारू नस्ल। विदेशी ब्रीड में टोगनबर्ग पोल्ड होता है, पोल्ड मतलब इसमें सींग नहीं होगा, स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। सानन जिसे दूध की रानी या मिल्क क्वीन कहते हैं, सानन दूध की रानी या मिल्क की ये भी पोल्ड होती है। पोल्ड मतलब सींग नहीं होते इसमें। इसका कलर सफ़ेद और क्रीमी होता है और ये भी स्विट्जरलैंड की एक नस्ल है। नेक्स्ट है अल्पाइन। ये फ्रेंच यानी फ्रांस की एक नस्ल है। एंग्लो न्यूबियन, ये इसका विकास इंग्लैंड में ब्रिटिश गोट और जमुनापारी, भारतीय जमुनापारी नस्ल के क्रॉस से हुआ है। कभी कभी इसको एक अफ्रीकन बकरे से भी क्रॉस करा के पैदा किया गया है, किया जाता है। नेक्स्ट, एंग्लो न्यूबियन को उत्तरी अमेरिका में केवल न्यूबियन नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में एंग्लो न्यूबियन को न्यूबियन नाम से जाना जाता है। और ये ब्रीड जो है बकरियों की जर्सी या जर्सी आप गोट कहलाती है। कौन सी? एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, इसको हम जर्सी आप गोट कहते हैं। अंगोरा नस्ल का मूल स्थान मध्य एशिया तुर्की है और इससे मोहेर नामक एक उच्च क्वालिटी का रेशा प्राप्त होता है। अब बहुत ही छोटे साइज की एक नस्ल है। बकरी के मेल बच्चे को बक यानी मेल नर बकरी को बक कहते हैं तथा मादा बकरी को डो कहते हैं। अब इनके बच्चों को किड कहते हैं, किड, KID। कुछ रिप्रोडक्टिव पैरामीटर हैं जैसे फीमेल में वयस्कता या प्यूबर्टी एज, ये 6 से 8 महीने, ब्रीडिंग एज 10 से 12 माह। रिप्रोडक्टिव पैरामीटर ये नर का है, नर बकरी का प्यूबर्टी एज 6 से 8 महीने, ब्रीडिंग एज 10 से 12 महीने, और ये 6 से 8 वर्ष तक ब्रीडिंग एज इसके लिए उपयुक्त होती है। और जो फीमेल का पैरामीटर है उसमें ब्रीडिंग एज 10 से 12 माह, ठीक है।
स्ट्रेस साइकिल यानी हीट साइकिल 18 से 21 दिन के अंतराल पे है, और स्ट्रेस पीरियड 24 24 से 72, गेस्टेशन पीरियड 5 महीने का यानी 150 दिन का गर्भकाल है। इसके अतिरिक्त 21 दिन बाद, किडिंग के 21 दिन बाद ये हीट में आती है, और किसी भी बकरी में किडिंग परसेंट 90 से 95% होना चाहिए और ट्यूनिंग परसेंट 30 से 35 होना चाहिए। किडिंग 90 से 95, ट्यूनिंग 30 से 35, ब्रीडिंग पीरियड 5 से 6 वर्ष, सेक्स रेशियो 1:25 में 25 फीमेल पर 1 मेल। जैसे जमुनापारी में ट्यूनिंग कम होता है, जमुनापारी नस्ल में केवल 19 से 50%, 19 से 50% ट्यूनिंग जो है जमुनापारी में होता है। बर्बरी में 47 से 70, बर्बरी में बहुत ज़्यादा होता है। बीटल में 54% होता है। बकरी के लिए 12 से 15 वर्ग फिट फ्लोर स्पेस यानी रहने के लिए स्थान चाहिए। इसके अतिरिक्त बकरी का जो सीम रोधन है वो फीमेल किड में 102 दिन और मेल में नर में 2 से 5 दिन, मादा में 102 दिन पे डियार्निंग करना चाहिए। डियार्निंग का मतलब सींग रोदन। कैस्ट्रेशन की उम्र 2 महीने होती है, 2 माह। कुछ बीमारियां होती हैं इसमें बैक्टीरियल जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, पास्चुरला मल्टोसिडा, टेटनस, क्लास्टिडियम टिटानी, एंटरोटॉक्सीमिया, ये भी क्लास्टिडियम नामक जीवाणु द्वारा होता है, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस या ब्रुसेला अपार्टस। वायरल बीमारियों में पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेंट, इसको PPR बोलते हैं, पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेंट यानी PPR वायरल रोग है। गोट पॉक्स, FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, सोर माउथ, ब्लू टंग, और आबादी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी मैक्सिमम गोट पॉपुलेशन चाइना में है, दूसरे नंबर पे भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान, इसके बाद UP, इसके बाद बिहार। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में मखदूम नामक स्थान पर है। बकरियों के मांस को चिवान कहते हैं। इसके साथ साथ दो चीज़ें और जान लिए, कश्मीरी या पश्मीना जो बकरी है उससे 200 ग्राम पश्मीना प्रति वर्ष प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है ट्रिपल पर्पज ब्रीड कौन सा है, तो मारवाड़ी ब्रीड ये ट्रिपल पर्पज है, तो ये ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल।